के चारों तरफ मोदी मोदी श्री अरुण साहु जी आप सबका इबादत स्वीकार करते हुए मित्र ऐतिहासिक क्षण विलासा की पावन धरा का मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद गूंजे मोदी 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 भारत देश के राष्ट्रनायक का इबादत आप सब लोग का इबादत स्वीकार करते हुए भारत देश के जन नायक का सबका इबादत स्वीकार करते हुए पूरे विश्व में भारत का परचम फहराने वाले भारत देश के राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी जी आप सबका इबादत स्वीकार करते हुए अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण विलासा की पावन धरा पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे बीच मित्र हो चुका है। हम सब उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही मंच पे हमारे बीच पधारने वाले हैं। मित्रों विलासा की इस पावन धरा का ऐतिहासिक क्षण हम सब लोगों से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे रूबरू हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन हम सब लोगों ने स्वीकार किया। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों हम स्वागत सब करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरा ये आग्रह रहेगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आए सारे लोग अपनी मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अंतिम छोर में जो लोग बैठे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आए मोबाइल के टॉर्च ऑन करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हम सभी लोग मिलकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो मोबाइल की टॉर्च को अपनी ऑन कर ले और मोबाइल की टॉर्च के ऑन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मित्रों बड़े गर्व और गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। बिलासपुर की इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। हमारे युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के विश्व नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 जम्मू काश्मीर से समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीबों को घर देने वाले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो ये तैयारियां जोर शोर से की जा रही है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से जो नीतियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और साफ तौर पर जैसे हम जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण को, महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से और ज्यादा बढ़ाने की जो बात है, आगे और ज्यादा निखारने की जो बात है, वो लगातार केंद्र सरकार करती हुई नजर आई है। और इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो वो उसकी वानगी काफ़ी नज़र आ रही है। और साफ तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर भाग लेती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए जो सरकार बिल लेकर आई वो कहीं ना कहीं अब कानून का रूप उसने ले लिया है। और उसके बाद अब महिलाएं और ज़्यादा सशक्त होती हुई नज़र आ रही हैं, तमाम भागीदारियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं महिलाओं की। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि तमाम महिलाएँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और तमाम तैयारियां बिलासपुर में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। तमाम बड़ी बातें इस कार्यक्रम से निकलकर सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहां पर संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और महिलाओं को लेकर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर और ज्यादा किस तरह से उनको और ज्यादा प्रबल बनाया जा सकता है और किस तरह से उनके लिए कुछ नई नीतियां लाई जा सकती हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होकर काम करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा
नारी शक्ति को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर और महिलाओं की भागीदारी को लेकर काफी अहम हो जाता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर, जो महिलाएं हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो हैं वो यहां पर जोर शोर से नजर आ रही हैं। एक जन सैलाब आप यहां पर देख सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनके विकास को लेकर, इस विकास के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने को लेकर ये दौरा काफ़ी अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में यहाँ पर जब संबोधित करेंगे तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं वो यहाँ से कर सकते हैं, इस मंच से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जोर शोर से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं इस क्षण की, कि प्रधानमंत्री को उनकी एक छवि पाने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग कितने व्याकुल नजर आ रहे हैं और शानदार तरीके से इस पूरा जो ये पूरी रैली है उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से जोरदार तरीके से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, तस्वीरें विकास की तस्वीरें, उस विरासत को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की तस्वीरें, साफ तौर पर महिलाओं के विकास की, महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाती हुई ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और यही है प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए जब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें छत्तीसगढ़ को लेकर भी हैं, क्योंकि तमाम सरकार ने जो योजनाएँ चलाईं उसका लाभ छत्तीसगढ़ में भी पहुँचा, जन जन तक पहुँचा और यही इस बात का एक हम कह सकते हैं कि रिजल्ट के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे और उनका जोरदार तरीके से लोग स्वागत करते हुए भी इन तस्वीरों के जरिए नजर आए। तो ऐसे में एक विशालकाय जनसभा जिसका साफ तौर पर ये तस्वीरें गवाह हैं और ये जो परिवर्तन की जो ये तस्वीरें नजर आ रही हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर, महिलाओं को किस तरह से आगे और ज़्यादा बढ़ावा मिले, महिलाओं के हित में सरकार लगातार काम करती हुई नजर आई है। और ऐसे में जब और सारी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं तो उससे भी लगातार यहां पर हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा कैसे सशक्त किया जा सकता है और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी वानगी यहां से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं जन सैलाब, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया और अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम घोषणाएं यहां से कर सकते हैं, तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये दौरा छत्तीसगढ़ का